देशभर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को मजबूत, समावेशी, संवेदनशील और विकसित बनाना चाहते थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रनायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भलीभांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है।